गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। बेल्ट्रॉन का जो एग्ज़ाम चल रहा है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का CBT एग्ज़ाम, तो अब जो है लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है। 27 दिसंबर लास्ट डेट है एग्ज़ाम का। तो यहां पर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए जो है क्वेश्चन लेके आता रहता हूं और तैयारी भी करवाता हूं। तो जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था शाम में कि 16 दिसंबर को किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, ऑल शिफ्ट के क्वेश्चंस मैंने इसमें 30 से 35 क्वेश्चन शेयर किए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देखे होंगे। और मुझे बहुत सारे कमेंट आया था कि सर 17 को जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर को, उसका भी शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन आए हैं मेरे पास जो कि मैं आपको शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। 17 दिसंबर का क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ से आ रहा है ये बताऊँगा और क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, सब बताऊंगा फ्रेंड्स। तो वीडियो को क्या है कि लास्ट तक ध्यान से देखते रहिए। 17 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जितने क्वेश्चन मुझे मिले हैं आपको हम बताने वाले हैं आंसर के साथ में, ठीक है। क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपको इजू से थोड़ा थोड़ा मीडियम भी आ रहा है, कुछ कुछ हार्ड भी आ रहा है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं क्वेश्चन जो तैयारी करा था उसके, और जो एग्ज़ाम हुए हैं 27 नवंबर के, 10 दिसंबर को, 16 दिसंबर को या आज का, तो सारा क्वेश्चन आपको मेरे जो एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सारा वीडियो। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि जिनका भी एग्ज़ाम हो चुका है या जिनका एग्ज़ाम आज है वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। मेरा जो है टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप शेयर कीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, ताकि और भी हमें सुविधा हो बताने में। तो हम लोग, आप लोग जो है आज एग्जाम देके शेयर जरूर कीजिएगा। Shift 1, Shift 2, Shift 3 तीनों क्वेश्चन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोग का जो एग्ज़ाम बचा हुआ है उसको और भी अच्छे तरीके से मैं बता सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए ताकि जिनका एग्ज़ाम है वहाँ तक वीडियो पहुँच सके और वो भी जान सके किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और साथ में दबा दीजिएगा बेल आइकन को, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन आया था तो यहाँ पर सब कुछ मिला हुआ आ रहा है आपको, जो है वर्ड से आ रहे हैं, एक्सेल से आ रहे हैं, PPT पावर पॉइंट से आ रहे हैं, आपको जो हार्डवेयर से आ रहा है, सॉफ्टवेयर से आ रहा है, नेटवर्किंग से आ रहा है, शॉर्टकट की से आ रहा है, और जो आपका एक्सटेंशन है वहाँ से आ रहा है, फुल फॉर्म से आ रहा है, यानी सारे पार्ट से आ रहा है। कुछ क्वेश्चन 2003 से भी आ रहे हैं, कुछ 2016 से भी आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो मुझे मिला है वो है कि सबसे जो है बड़ा क्या है स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, क्या होता है। तो वहाँ पर ऑप्शंस रहेगा तो उसके हिसाब से देना है, ठीक है। मतलब ज़्यादा जो डेटा है वो कौन स्टोर करता है, इसे मान लीजिए आपको दे देगा कि CD आपको दे देगा, फ्लॉपी डिस्क, इस तरह से चार रहेगा। तो आपको वहाँ पर जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आपको क्या है कि कोई इसका रटने की चीज़ नहीं है। आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा ऑप्शन किस टाइप का दिया गया है और उसमें सबसे जो है ज़्यादा कौन स्टोरेज करता है डिवाइस, ठीक है। तो CD से ज़्यादा कौन करता है, ये करता है आपको CDRW यानी कि रीराइटेबल, ठीक है, इसका ज़्यादा होता है। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा आपको, तो आपको घबराना नहीं है, आपको जवाब देना है कि ऑप्शन किस टाइप का है, किसमें जो है ज़्यादा डाटा स्टोर करता है, वही होगा आपका स्टोरेज डिवाइस का आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। और फिर क्वेश्चन आया था कि टेबल का जो है साइज कैसे बढ़ाएंगे, टेबल का साइज कैसे बढ़ाएंगे। तो जो एक्सेल में जो होता है कॉलम होता है इस टाइप का, ठीक है, या रो होता है। मान लीजिए हम कोई टेस्ट लिखें, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो रहता है यहाँ पर हम माउस लाके उसको हम खींच के बढ़ा सकते हैं, या जो है उसको हम मैनुअली भी सेटिंग कर सकते हैं ऑप्शन से जाके जो टैब वगैरह होता है वहाँ से। तो मेरा मेन फोकस है कि आप लोग ये जानिए कि क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आया था पहला क्या कि आपको जो है स्टोरेज डिवाइस इनमें से सबसे बड़ा कौन है वो था, दूसरा है कि टेबल का जो साइज होता है वो कैसे हम बढ़ाएंगे वो था, और फिर आया था क्या कि आपको जो होता है स्प्रेडशीट यानी कि MS Excel में जो होता है स्प्रेडशीट का जो होता है आपको बैकग्राउंड, बैक
ग्राउंड हम चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो भी होता है उसको चेंज हम कैसे करेंगे, तो उसका ऑप्शन होता है, आपको जाकर टैब में जाइए, फिर वहाँ पर जाइए ग्रुप में, वहाँ ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो सब आपको मैंने सब बताया है, जितने मैंने क्लास करवाए हैं सब मैं आपको मिल जाएगा, और जो मेरा ई बुक है उसमें भी आपको ये सब क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आ रहा है कि चेंज कैसे करेंगे बैकग्राउंड, ठीक है, थोड़ा अंदर से पूछा जा रहा है। और पूछा था एक क्वेश्चन जो कि आप लोग जानते ही होंगे, ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है कि PPT का जो है आपको एक्सटेंशन क्या होता है, ये जानते हैं। अगर पूछेगा 3 के लिए तो क्या होता है, .PPT होता है पावर पॉइंट के लिए, और पूछेगा 2016 या 7 के लिए .PPTX, ठीक है, इस तरह का। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इस तरह का पूछा जा रहा है। और पूछा गया था कि वर्ड में जो है, वर्ड में आप क्या बोल सकते कि डेटा जो है कैसे स्टोर होता है, कैसे होता है। मान लीजिए ऑप्शन रहेगा आपको टेक्स्ट में, रो में, कॉलम में, या कुछ और रहेगा, या नन ऑफ दिस रहेगा। तो रो और कॉलम में किस में होता है, ये एक्सेल में होता है। तो वर्ड में पूछ रहा है यहाँ, तो किस में होता है, वो टेक्स्ट में होता है, याद रखिएगा, वर्ड में टेक्स्ट में होता है। तो इसमें फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, इसमें पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, हल्का फुल्का अगर पढ़े होंगे तो भी आप इस सब क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, नहीं कि थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे किस टाइप क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आया था कि 2003 का जो होता है मेल मर्ज, 2003 का मेल मर्ज उसमें क्या नहीं होता है, मेल मर्ज में क्या नहीं होता है। तो वहाँ पर क्या है कि जब तक आप इसको नहीं जाइएगा पढ़ के मेल मर्ज में क्या क्या होता है, तब तक आप जवाब नहीं दे पाएगा कि मेल मर्ज में क्या नहीं होता है, क्योंकि ऑप्शन जो रहेगा उसमें पर आपको जानना जरूरी है कि मेल मर्ज में क्या क्या होता है। तो मैं आपको बता दूँ क्या क्या होता है, आपको डॉक्यूमेंट होता है, डेटा सोर्स होता है, और आपको क्या मर्ज डॉक्यूमेंट होता है। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। मेल मर्ज के मैंने स्पेशल जो वीडियो है वो आपको दिया है, उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, और जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं उसमें जो है स्पेशल मैंने क्वेश्चन भी करवाए हैं आपको। ये सब क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था कि उसमें क्या क्या होता है। और फ्रेंड्स अगर आप लोग ये वाला वीडियो नहीं देखे हैं, ये देखिए मेल मर्ज वाला, इसका मैंने स्पेशल जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया है, इसका लिंक आपको मैंने डाल दिया प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो को सर्च करके सर्च कर सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। मेल मर्ज का सारा क्वेश्चन मैंने यहाँ से करा दिया है, इसको जाके आप जरूर देख लीजिए अभी अगर आपका एग्जाम है तो। मेल मर्ज से एक और क्वेश्चन आया था कि मेल मर्ज का जो है स्टेप्स क्या है। वहाँ पर आपको दिया रहेगा, आपको जाना है टैब में, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, इस तरह से चार ऑप्शन रहेगा। तो जब तक आप मेल मर्ज को पूरा नहीं कीजिएगा, प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा, तो आप इसको जॉब नहीं दे पाएगा। इसको जाके आज जरूर मेरे वीडियो को देखिए, पूरे इसको प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए कि मेल मर्ज में जाइए, वहाँ देखिए क्या क्या स्टेप्स होता है, पहले क्या करते हैं, पहले हम क्या सेलेक्ट करते हैं, फिर जाते हैं आपका रिसिपिएंट में, फिर टेस्ट लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, फिर उसको मर्ज करते हैं, फिर सेंड करते हैं। आपको स्टेप आपको याद करना जरूरी है, स्टेप से भी डायरेक्ट जो है क्वेश्चन नहीं, आपको स्टेप भी पूछ सकता है, और ये पूछा जा रहा है, ठीक है। और फुल फॉर्म आया था आपका DBMS, ठीक है, ये आपको डेटाबेस से क्या हो जाएगा, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये फुल फॉर्म आपको पूछा गया था कल के एग्जाम में, 17 दिसंबर के एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन आया था आपको एक्सेल से कि न्यू सीट को, यानी स्प्रेड शीट को क्या है, शॉर्टकट की क्या है। तो हम कैसे ला सकते हैं शॉर्टकट की, ये लगता है हमको Alt+Enter से जो है हम न्यू स्प्रेड शीट को करते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और पूछा गया था सिंपल क्वेश्चन कि पेस्ट का शॉर्टकट क्या है, आपको तो पता ही है Ctrl+V, ये सब क्वेश्चन से ज़्यादा आ रहे हैं। कट का क्या है, Ctrl+ आपका X, ये पूछा गया था पेस्ट वाला, ठीक है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। आपको कॉपी का क्या है, Ctrl+C,
ऑल डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना क्या है, कंट्रोल प्लस ए, ये सब पूछा गया है, कॉपी कट कंट्रोल प्लस ए, ठीक है, पेस्ट, ये सब हमेशा पूछा जा रहा है आपको एग्जाम में। तो ये सब जो सिंपल वाला है, आप सेव किससे करते हैं डॉक्यूमेंट को, कंट्रोल प्लस एस, ठीक है, ये सब आपको एग्जाम में हमेशा पूछा जा रहा है, इसको सही से पढ़ लीजिए। और पूछा गया था आपको कुछ हार्डवेयर से, मतलब पूछा गया था कि लेजर प्रिंटर से क्वेश्चन आया था, लेजर प्रिंटर में जो है यूज होता है, क्या यूज होता है, तो ऑप्शन देख लीजिएगा किस टाइप का था, ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन मिले थे कि लेजर प्रिंटर में क्या यूज होता है, ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन आया था। और एक आया था आपको इसी टाइप का आया था, प्रिंटर से आया था, वो आया था आपको डॉट मैट्रिक्स जो है उससे क्वेश्चन आया था, ये किस टाइप का होता है, ये आपको होता है इम्पैक्ट टाइप का होता है, ठीक है, इम्पैक्ट टाइप का होता है डॉट मैट्रिक्स, इस टाइप का क्वेश्चन आया था, ठीक है। और फ्रेंड्स आप लोग को जो है मेल मर्ज से 5 से 6 क्वेश्चंस आए थे, यानी इसे हर एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एक्सेल से ज़्यादा आ रहा है, शॉर्टकट किससे ज़रूर 2 से 3 आ रहा है, फुल फॉर्म से आ रहा है आपका, ठीक है, ये सब आ ही रहा है, शॉर्टकट की एक्सटेंशन से आ रहा है आपका, ये सब पूछा जा रहा है। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आया था आपका कि प्रेजेंटेंस को जो है शो कैसे करेंगे, ठीक है, अगर पूछेगा शॉर्टकट की कैसे करते हैं हम लोग, F5 से करते हैं, और पूछेगा अगर स्टेप से तो आप वहाँ जाकर देख के ऑप्शन देख बता सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन आया था आपको कि आउटलाइन व्यू से क्वेश्चन आया था, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मुझे मिलने पाया नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन आया था, ठीक है, यानी तो आप लोग को मैंने जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैंने सब बता दिया है, और सारा आपको मेरे ई बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है। और अभी तक आपने मेरे ई बुक को नहीं डाउनलोड किया है तो जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ओनली फॉर 39 रुपीज़, जो आपका NIOS का सिलेबस है उसे मैंने कवर किए हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे जितना क्वेश्चन मिला मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आज जिनका भी एग्जाम है वो लोग ज़रूर मेरा जो टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वहाँ जाके आप जुड़िए, ज्वाइन कीजिए और मेरे साथ क्वेश्चन शेयर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और तैयारी कीजिए कि जिस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।